fraco. हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे न्यू ब्लॉग में। तो अभी हम जाने वाले हैं, एक हमारे गांव के बगल में पहाड़ है, तो वहीं पे पहाड़ है उस पर एक मंदिर है, तो वहीं पे हम जाने वाले हैं। अभी हम मेन हाईवे पर हैं, अभी यहां से देखिए घुसेंगे मेन हाईवे से इधर, तो इसी रास्ते में करीब 4-5 किलोमीटर अंदर है, तो वहीं जा रहे हैं अभी। तो चलिए आपको दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा। तो दोस्तों, हम लोग पहुंचने वाले हैं। ये देखिए, यहाँ से पहाड़ियाँ स्टार्ट होता है, इसको चरखा पहाड़ बोलते हैं। दिखाओ इधर, तो इसको चरखा पहाड़ बोलते हैं। और हम लोग पहुंचने वाले हैं, अब आ गए कच्चिया रास्ता में, तो यहाँ से कच्चिया रास्ता में ही जाना पड़ेगा। और वहाँ चल करके दिखाते हैं, वहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त है, तो आप लोग को दिखाते हैं चल करके। बने रहिए हमारे ब्लॉग में लास्ट तक, और जो भी हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और दोस्तों, ये देखिए रोड इधर बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, तो बहुत दिक्कत से जाना पड़ रहा है। इधर अभी रोड नहीं बना है, आने वाला समय में बन जाएगा, तो थोड़ा सा दिक्कत तो है। और ये देखिए सामने पहाड़ है, तो वहीं पे हमको जाना है। और वहाँ पर एक मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत कम लोग ही जानते हैं वहाँ पे, लोग बहुत कम जाते हैं। तो आइए चल करके वहाँ का दिखाते हैं नज़ारा। ये देखिए आगे आगे उन लोग भी जा रहा है, रंजन और रोहित, और हम लोग भी दो, हम राजा जा रहे हैं साथ में। दो बाइक लेकर कहाँ है, दो दो लड़के हैं। Oh,
तो दोस्तों हम आ चुके हैं और ये देखिए यहाँ से चढ़ने का रास्ता है, तो यहीं से जाएंगे। और ये देखिए वहाँ पे मंदिर है, तो वहीं पे हम लोग जाएंगे। तो आइए चढ़ते हैं। सफ़र लंबा है और रास्ता भी आढ़ा टेढ़ा है, कोई सीढ़ी का व्यवस्था नहीं है, तो इसी से चढ़ के जाना है, जंगल झाड़ में घुस करके जाना। तो चलते हैं। और ये रहा हमारा बाइक लगा हुआ। तो दोस्तों ये देखिए आधा दूर चढ़ चुके हैं, ये देखिए, और इधर राजा भी चढ़ रहा। ये देखिए रास्ता कैसा, इसी पर इसी से जाना है। खराब रास्ता सिंबल दिया हुआ है, इसी को फॉलो करना है। ये सामने दिख रहा होगा आप लोगों को, रास्ता है, इसी में घुस करके जाना पड़ेगा। ऊपर चढ़ने के बाद मंदिर दिखेगा, फिर चढ़ पाते हैं या नहीं, कभी तो हम आए नहीं है, लेकिन आप लोग चल करके दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, किसी को ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे ऊपर चढ़ के।
यही गुफा है, इसी में चढ़ना पड़ेगा। कैसा गुफा है दिखाओ अंदर से। यही गुफा है, इसी में चढ़ के जाना है। बहुत मुश्किल है चढ़ना इसमें, किसी तरह चढ़ जाए। और ये देखो यहाँ पे रहा मंदिर, दिखाओ। इतना ऊंचा में बना हुआ मंदिर, इसलिए यहाँ पे बहुत कम लोग आते जाते हैं, किसी को उतना जानकारी नहीं है। जूता खोल दे, ये रहा यहाँ का मंदिर, जूता खोल देते यार। ये रहा अंदर का मंदिर, छोटा सा भगवान है यहाँ पे, छोटा नहीं, भगवान तो बहुत बड़े होते हैं, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। और ये एक रहा एक मंदिर, और यहाँ से नज़ारा देखिए दोस्तों, क्या तगड़ा व्यू आ रहा है। ये देखिए हम लोग कितना ऊंचाई पर आ गए हैं, बिल्कुल आगे में अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा है। तो ये रहा राजा, तो दोस्तों आप लोग भी यहाँ पे आइए, विजिट करिए और यहाँ का मौसम का आनंद लीजिए, पहाड़ों का। ये पहाड़, इसका नाम है भेड़िया पहाड़, जो बाराचट्टी से 2-3 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है। ये वाला रास्ता से हम लोग आए हैं, ये सीधा चला जाता है मेन हाईवे में। ये देखिए आगे हाईवे वहाँ पे नज़र आ रहा है, बिल्कुल अभी धुंधला धुंधला है तो आप लोग को नज़र नहीं आएगा। तो दोस्तों ये देखिए यही रहा मंदिर, आप लोग को दिखा दिए, यहाँ पर आइए कभी, आप लोग विजिट करिए, बहुत ही बढ़िया जगह है। और यहाँ पे कोई आने जाने का किराया नहीं है, तो आप लोग आइए और इन्जॉय करिए, बहुत ही मस्त जगह है, यहाँ का नज़ारा भी बहुत मस्त है। बिल्कुल यहाँ पे सन्नाटा है, कोई आता जाता नहीं है, बहुत कम लोग आते जाते हैं, जो यहाँ का निवासी हैं वही लोग आते जाते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे जानवर चराने के लिए नीचे पहाड़ में आते हैं। तो ये देखिए सामने रहा, तो यहाँ पे लोग जानवर चरा रहे हैं और लकड़ी उकड़ी काटने के लिए लोग आते हैं यहाँ पे। आप लोगों ने पिछला ब्लॉग देखा होगा यहाँ का, एक बार पिछले बार आए थे, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा पहाड़ पे आए थे, तो हम वहाँ पे आए थे, वहाँ तक आए थे, आप लोग को बोले थे कि ये मंदिर दिखाने के लिए, पर हम नहीं दिखा पाए क्योंकि बारिश हो रहा था और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो हम नहीं आ पाए थे। तो आज हमने ये मंदिर आप लोग को दिखा दिए, तो आप लोग यहाँ आइए और इन्जॉय करिए, बहुत ही मस्त जगह है, भेड़िया पहाड़ बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको चारों तरफ से दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा, घूम करके दिखाते हैं आपको।
हम लोग इधर से ही आए थे, इसमें से घुस करके आए थे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जंगली बेल फरा हुआ है, आप लोगों को दिखाते हैं जूम करके कितना सारा फरा हुआ है। तो दोस्तों अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा यहाँ का नज़ारा और यहाँ का मंदिर, ये मंदिर रहा कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, आप लोग के प्यार सपोर्ट से हमारा 1K सब्सक्राइबर पूरा हो गया। तो दोस्तों इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए, मैं आगे बढ़ता रहूँगा। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भड़ेरिया धाम लिखा हुआ है, ये भड़ेरिया धाम ही है। ये देखिए दोस्तों, कुछ लड़कन लोग यहाँ पे आए, आप लोग के दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऊपर आ रहे हैं इन लोग भी, हमें हवाई देकर के बुलाए, आ जाओ ऊपर। ये देखिए यहाँ पे इन लोग भी पहुँच गया ऊपर और जा कर के मंदिर में गोल्डन निकल गया है। ये देखिए इन लोग, और इधर भी एक लड़का है, इन लोग घुस करके मंदिर में गोड़ लग रहा है, दर्शन कर रहा है। और इन लोग छुप रहा है, वीडियो में नहीं आ रहा इन लोग, देखिए कैसे छुप रहा है। कहाँ है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, इधर कैसे छुप, इधर घुस गया यार, पत्ते नहीं चल रहा। ये देखिए किधर घुस गया लड़का, वीडियो में नहीं आ रहा है। ये देखिए कैसे घुस गया, सूत गया अंदर में। हम लोग अब नीचे उतर रहे हैं, काफ़ी टाइम इंजॉय किए, तो हम लोग अब चलते हैं नीचे।
दोस्तों हम लोग उतर गए नीचे, ये देखिए बाइक के पास आ गए और राजा भी उतर गया नीचे और बहुत पसीना चल रहा है, पसीने से तो भर गए, ठंडे के मौसम भी है फिर भी पसीना चल रहा है, क्या ही बोले। अगर हमारे ब्लॉग अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।